हमने दो बार दर्शन किए, दो बार दर्शन करने मारे। आए आए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सो अब हम आए हैं मंगल के मंदिर, जिनका मंगल खराब होता है तो वो यहाँ पे आके अपनी पूजा करवा सकते हैं। सो काल भैरव के लिए हम मदिरा लेंगे और हम पहुँच गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर के बाहर। एडवांस बुकिंग होती है और वो हमने की नहीं है, सो हम जस्ट प्रेइंग कि वो हो जाए, कि मॉम डैड को भी देखना है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। महादेव रेडी, चलो चलो। हमने आरती भी की और हम वैसे भी पहले दर्शन किए, बहुत अच्छे, बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए। जय श्री महाकाल, गॉड ब्लेस एवरीवन। लुक एट ऑल दिस, कितने ही खूबसूरत है। जय बजरंगबली। अच्छा लगा पापा? दारुण, बहुत। देखो मेरी गुआची गा आकार डरी। ये रुद्राक्ष भैया, पहले रुद्राक्ष कितने का है? छोटा 50 का है, बड़ा 100 का। नाउ विल हैव डिनर, डिनर टाइम। मम्मा को बहुत भूख लगी है, पापा को बहुत भूख लगी है, बहुत थक गए हम लोग। सो बस अब हम लोग खाना खाएंगे मार्केट में एंड वापस जाके सो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हो रहे हैं एंड पापा इज़ वेरी टायर्ड। सो हम लोग अपना डिनर यहाँ पे करेंगे, हठीली। हाँ जी, होटल हठीली, इट्स अ रेस्टोरेंट। सो सो लेट्स गो हैव डिनर हियर। पापा कितनी ज़्यादा ढगा क्यों मारते हैं? गैस निकलता है, गैस। घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे सीखे। मैंने बिल्कुल अभी मना किया है स्ट्रिक्टली, आसपास लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं ठकार मारने। डिनर में है दाल, आलू गोभी, मिस्सी रोटी एंड नॉर्मल तंदूरी रोटी। एंड नाउ वी आर डन विद एवरीथिंग और हम जा रहे हैं अपने होटल वापस सोने के लिए, हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा। रिक्शा राइड। आज का दिन बहुत ही प्यारा था। हम लोग बस लिटरली दर्शन करके हम लोग जाने वाले थे और हमें ये लग रहा था कि यार आरती नहीं देख पाएंगे, और आरती देखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, पूरा दोबारा घूम के जाना पड़ता हमें। तो हम लोग बस वहाँ बैठे रहे, वेट करते रहे, मतलब वेट नहीं, ऐसे बैठे रहे, देखते रहे वहाँ पे। एंड ऑल ऑफ अ सडन पापा ने वहाँ पे किसी से पूछा कि हम अंदर जा सकते हैं शॉर्टकट से, तो उन्होंने बोल दिया कि जाओ, और हमने
महाकाल की आरती देखी, संध्या आरती, और बहुत ही प्यारी थी। इट वॉज अमेजिंग, रोंगटे खड़े हो गए थे, बहुत ही प्यारी थी। तो भस्म आरती हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि भस्म आरती के लिए हमें 2 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, तो वो तो नहीं हो पाएगा हमारा। बट कोई बात नहीं, इसी बहाने अगली बार आ जाएंगे भस्म आरती देखने के लिए। और फिर सुबह हमने बहुत सारे मंदिर में जाना है। यहाँ पे उज्जैन में बहुत सारे मंदिर है, एंड ऑब्वियसली मैं आपको सारे मंदिरों में लेके जाऊँगी। एंड कल अष्टमी भी है, बहुत बड़ा दिन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर गोइंग फॉर दर्शन अगेन। हम लोग रुद्र अभिषेक करवाने जा रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे काल भैरव, एंड एक मंगल जी का एक मंदिर है वहाँ पे भी जाएंगे। सो वी गेव अवर चप्पल्स हियर। ध्यान रखना चप्पल का। कैसा लग रहा है मम्मा? सो अब हम आए हैं मंगल के मंदिर। जिनका मंगल खराब होता है तो वो यहाँ पे आके अपनी पूजा करवा सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। स्टार्ट। हम फर्स्ट। पापा, आप मंगल की पूजा करवाओगे? हाँ जी, करवाते हैं। डन विद द पूजा। इट वॉज गुड, बहुत अच्छी पूजा हुई, बहुत अच्छा हवन हुआ, सब कुछ हुआ। एंड अपने आप को हाइड्रेट करने का टाइम आ गया है, सो वी आर गोना हैव नारियल पानी नाउ। चीयर्स मामा। इसके बाद इसके अंदर से मलाई खाएंगे हम। और ये है मंगल नाथ घाट। And this is me having malai. अब हम आए हैं काल भैरव मंदिर। लेकिन काल भैरव मंदिर में जाने से पहले हम एक स्पेशल चीज़ लेंगे उनकी फेवरेट, और वो है मदिरा। सो काल भैरव के लिए हम मदिरा लेंगे। कौन से ले रहे हो पापा? हाँ ले लो, चलो दिखाओ पापा क्या लिया हमने। ये लिया है, ठीक है चलो चलते हैं। अरे सिमी बुआ यहाँ क्या कर रही है? खाली होता तो यही बोलता, शिरीन को ऊंट बोलता है। और यहाँ पे सबने धागे बांधे हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, अपनी विशेष जो है वो पूरे करने के लिए। सो हम लोगों ने ये सामान लिया चढ़ाने के लिए, और पापा ने भी लिया है, एंड हमने एज यू गाइस सॉ हमने दारू भी ली है काल भैरव को चढ़ाने के लिए। तो भैया बोल रहे थे कि जब काल भैरव को हम दारू चढ़ाते हैं, लिकर जो है तब जो चढ़ाते हैं, उससे क्या होता है उनका कोई दोष होता है वो ख़त्म होता है। लाइक उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म होती है। अपनी प्रॉब्लम तो हम सोच लेते हैं हमेशा ख़त्म करने के लिए, भगवान की भी ख़त्म कर देते हैं। सो दैट्स वाई वी डूइंग दैट। जो गर्मी ज़्यादा होती है, यू शुड हैव कच्चा आम और एनीथिंग खट्टा, उससे क्या होता है लू नहीं लगती। दैट्स व्हाई वी हैविंग कैरी, कच्चा आम, खीरा एंड गुआवा। सो आज कंजक है। बात अच्छा है ना? नहीं हमने दुनिया को नहीं बताना आपने। चलो ठीक है मत बताओ। सो ये जो लड़का था, अकॉर्डिंग टू हिम उसने ऐसा बोला कि उसकी 24 उंगलियां हैं, जो कि उसने मुझे दिखाई नहीं पर थी, दादा ने देखी। एंड उसने ये बोला कि उसको
सूर्य ढलने के बाद मतलब सनसेट के बाद उसको दिखाई नहीं देता। ये मैंने किसी मूवी में सुना है। हेलो मामा, कौन सी मूवी थी, किसमें सुना था हमने? मुझसे शादी करोगी कि सनसेट के बाद दिखता नहीं है? नहीं पता नहीं, कोई तो मूवी थी जिसमें था ये। अब पता नहीं वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली वी आर इन वन ढाबा। दूर दूर तक हमें कोई ढाबा नहीं मिला एंड सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया और 4 बज गए हैं, 4:45 हो रहे हैं। हमारी फर्स्ट मील है, कोई ढाबा नहीं मिल रहा था, सबको बहुत भूख लग रही थी। अभी हम लोग ओंकारेश्वर जा रहे हैं, ओंकारेश्वर के बाद हम लोग घर जाएंगे। एंड इतनी भूख लग रही थी और रास्ते में हमें बस ये एक ढाबा मिला। अब अच्छा हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा दादा की बीवी से नाराज हो गई है क्योंकि आज, कोई बात नहीं, यहाँ से प्रसाद ले जाना। पापा ये नमक डालो ना, उड़ के एकदम मेरी आंख में आया एकदम। तो ये है मिक्स दाल, आलू मटर जिसमें बहुत मसाला है, राइस, अनियन एंड पनीर भी है जो मैंने खाऊंगी। चीयर्स गाइस, चीयर्स एवरीवन। और ये रास्ता है ओंकारेश्वर जाने का, कितना ही सुंदर रास्ता है। सो नाइस। सो गाइस फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे। रास्ता इतना मुश्किल भरा था लेकिन मम्मी के लिए स्लो चलाया, नहीं तो और जल्दी आते थे। तो हम आ गए हैं ओंकारेश्वर, लेकिन थोड़ा दूर है अंदर, थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा ज़्यादा, बट इट्स ओके, आई विल टेक यू गाइस देयर। आप सबको दर्शन करवाती हूँ मैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा कुर्ता अचानक से कैसे बदल गया। एक्चुअली बैठे बैठे मेरा कुर्ता खिंच गया और वो फट गया, सो मैंने गाड़ी में अपना कुर्ता चेंज कर लिया। आई एम वेयरिंग द सेम पजामाज, बट अच्छे लग रहे हैं, दे लुक नाइस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है ओंकारेश्वर की स्ट्रीट्स, जो कि ऑलरेडी आधी शॉप्स बंद हो गई हैं। और हम पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर के बाहर। नर्मदा घाट, इतना जबरदस्त रहेगा दिन में। सो वी बॉट दिस शर्ट फॉर रुद्राक्ष, और भी बहुत कलर्स हैं यहाँ पे और सिर्फ 100 रुपए के हैं। सो हम अब आ गए हैं ममलेश्वर मंदिर। खाया था और 10 बजे हम फिर से खा रहे हैं। ये कड़ी है और ये हम हैं जो खाते ही जा रहे हैं। और ये दादा है, ये भी खाते जा रहे हैं। नहीं दादा कम खाएंगे क्योंकि नींद नहीं आनी चाहिए। Cheers guys. Cheers.